हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5G और उससे रिलेटेड सारे टर्म्स जैसे सब 6 गीगाहर्ट्ज, मिलीमीटर वेव और 5G बैंड्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो नेटवर्क की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क है वो एनालॉग सिग्नल्स पे बेस्ड था, फिर 2G आते आते डिजिटल सिग्नल्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये काफ़ी फास्ट थे एनालॉग सिग्नल्स के मुकाबले। 3G में तो डेटा स्पीड्स पे भी काफ़ी काम किया गया और डेटा स्पीड्स को इम्प्रूव किया गया। और 4G एक ऐसा नेटवर्क है जो हम फिलहाल की डेट में भी इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपको डेटा स्पीड्स काफ़ी अच्छी मिलती हैं बाकी तीनों जनरेशन के मुकाबले। इसमें VoLTE का भी सपोर्ट है। तो अब बात करते हैं 5G की। 5G एक इंक्रीमेंटल अपडेट तो होगा ही ओवर 4G, पर इसमें आपको बेटर स्पीड्स, लो लेटेंसी और बेटर कवरेज भी मिलेगा। तो अब बात करते हैं 5G काम कैसे करता है। ये 5G मल्टीपल बैंड सपोर्ट करता है, जैसे MM वेव, सब 6 GHz और लो बैंड मोड। तो अब ये बैंड्स क्या है और इनसे हमें नॉर्मल यूजर्स को क्या बेनिफिट है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि जो डेटा स्पीड्स होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं डिस्टेंस के। तो आप ये बेसिकली एक एग्जांपल देखें, अगर ये टावर है, आप इससे जितनी दूर जाते जाएंगे उतनी आपको स्पीड्स कम मिलेंगी। तो ये जो MM वेव है ये फास्टेस्ट बैंड्स की कैटेगरी में आता है। ये 24 GHz से लेके 48 GHz तक की फ्रिक्वेंसी में काम करता है। ये बैंड सबसे फास्टेस्ट बैंड्स में से एक है, पर इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे कम है। पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें तो ये होता है, जैसे अगर हम टावर है एक फॉर एग्जाम्पल, और आप थोड़ी दूर हो टावर से, काफ़ी ज़्यादा दूर हो, अगर आपके बीच में और बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं जैसे बिल्डिंग हो गई और कार्स हो गई और वेदर कंडीशन अगर थोड़ी अच्छी नहीं रही, तो आपको जो स्पीड्स हैं वो उतनी नहीं मिल पाएंगी जितना आप टावर के बिल्कुल पास हैं। जो बिल्डिंग में पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा वो सबसे कम है MM वेव का। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टावर पास पास डिस्टेंस पे लगाने पड़ेंगे ताकि बीच में ऑब्स्टेकल लिमिटेड हों और आपको स्पीड्स में लैग ना मिले। और ये सबसे एक्सपेंसिव नेटवर्क्स में से एक है 5G के। तो इसके बात करते हैं सब 6 GHz के बैंड्स की। इसमें आपको 2.4 GHz से 6 GHz तक की फ्रिक्वेंसी मिलती है। इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट MM वेव से काफ़ी अच्छा है ये, और ये लंबे डिस्टेंसेस को भी आराम से कवर कर लेता है। इसमें जो स्पीड्स हैं वो हालांकि वो MM वेव से कम है, पर जो डेटा और स्पीड्स, मतलब डिस्टेंस और स्पीड का बैलेंस है, वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। और इसकी स्पीड 4G से काफ़ी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं इसके लास्ट बैंड की, जो कि है लो बैंड। ये लो बैंड फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करेगा। इसमें फ्रिक्वेंसीज काफ़ी कम रखी जाएंगी और ये काफ़ी बड़े एरिया तक को कवर कर सकता है, हालांकि इसमें स्पीड सबसे कम रहेंगी। इसका बेनिफिट ये होगा, अगर फॉर एग्जांपल हमें एक गांव में प्रोवाइड करना है एक 5G नेटवर्क, उसमें घर लिमिटेड रहते हैं और दूर दूर रहते हैं, तो हम वहाँ पे एक्सपेंसिव MM वेव या सब 6 GHz का खर्चा बचाकर लो बैंड की फ्रिक्वेंसी रख सकते हैं, ताकि हम मिनिमम कॉस्ट में उस पूरे एरिया को 5G से लैस कर सकें। तो इंडिया में मेनली सब 6 GHz, जिनको मिड बैंड्स भी बोलते हैं, इनको यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहते हैं और टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो जिस स्टेज पे है इंडिया में अभी, उस स्टेज में इसी कॉस्ट को बियर कर पाएंगे। कुछ कुछ एरियाज में लो बैंड का भी यूज़ होगा, पर MM वेव इंडिया में इनिशियली तो नहीं आएगा। तो जो 5G नेटवर्क है वो MIMO पे बेस्ड होता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इसमें आपको 4G से 10 टाइम्स बेटर आउटपुट मिलता है। इसको आसान सी भाषा में बताऊँ तो, अगर मान लीजिए ये एक टावर है और यहाँ पे 10 4G के यूज़र्स हैं, तो इन 4G के यूज़र्स के लिए इसको अपनी आउटपुट डिवाइड करनी पड़ेगी अगर ये 4G टावर है एक। और अगर वहीं 5G टावर की ओर देखें तो ये 10 की जगह इंटू 10 टाइम्स उसको 100 लोगों तक इस एरिया में संभाल सकता है वो आराम से। तो लेटेंसी की ओर नज़र डालें तो 5G में आपको मिनिमम 1 मिलीसेकंड तक का सपोर्ट है। जिनको नहीं पता, लेटेंसी जितनी कम हो उतना बेटर रहता है। एक स्टेबल 4G नेटवर्क में 50 से 100 मिलीसेकंड तक का ही सपोर्ट मिल पाता है। और गेमिंग के वक्त ये लेटेंसी आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपको डिले इसमें कम से कम मिलेगा। तो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स जैसे PUBG और आने वाली गेम 4G, इनमें आपको नेटवर्क लैग के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप ये गेम्स एक स्टेबल 5G नेटवर्क पे प्ले करेंगे। तो 5G में कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जैसे SA और NSA, स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन टावर्स। इसका मतलब है कि 5G नॉन स्टैंड अलोन टावर्स में अलग से टावर्स नहीं लगेंगे, 4G टावर्स पर ही कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे जिनसे उनको 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। और स्टैंड अलोन टावर्स का मतलब है कि प्रॉपर एक सेटअप बिल्ड करा जाएगा, अलग अलग टावर्स बिल्ड करे जाएंगे एक प्रॉपर 5G के लिए, उसमें 4G का कुछ रोल नहीं रहेगा।
तो 5G में आपको इतने फीचर्स तो मिलेंगे, पर आपको इनका प्राइस भी पे करना पड़ेगा। हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से 5G का प्राइस ऑलमोस्ट 1.25 से 2 टाइम्स तक होगा 4G के प्राइसेस के। इंडिया में हालांकि हमें अभी तक 4G स्पीड्स भी ठीक से देखने को नहीं मिली हैं, क्योंकि इंडिया में यूज़र बेस बहुत बड़ा है, तो वो असली 4G की स्पीड्स प्रोवाइड करना यहाँ पर मुश्किल पड़ जाता है। तो 5G एक अच्छा अपग्रेड रहेगा ओवर 4G इन टर्म्स ऑफ स्पीड और अदर पैरामीटर्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। तो इस साल के एंड तक हमें ये टेक्नोलॉजी इंडिया के कुछ एरियाज में देखने को मिल ही जाएगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बी सेफ।